दादू अभी स्कूल से नहीं आया। दादू ने ना आज नोटबुक घुमा दिया, आज नहीं कल, एक दो दिन पहले शायद स्कूल में उसने मास्क घुमाया है, कई सामान घुमा देता है, पेंसिल वेंसिल सब घुमा देता है। कई बार उसको डांटो भी, बोलो कि ध्यान से रखा करो, ध्यान से रखा, पर वो बिल्कुल नहीं रखता। अब पता है जब MGO में था ना, नर्सरी में, तब एक पेंसिल भी नहीं घुमाया था उसने, इतनी सी भी बड़ी पेंसिल रहती थी वो तक ले आता था। तो पता नहीं यहाँ गया है तब से उसका दिमाग चलता है कि नहीं चलता, जल्दी जल्दी निकला और आ जाता है। ये लो अंगी कर लो। और अभी आए थे हम लोग दुकान बैठन, वहाँ पे इनको फोटो बनवाना था तो स्टूडियो आए थे हम लोग। मेरा सेंट जोसेफ स्कूल है, जाना है उनको मॉल। मॉल पहले मेरा कलेक्टेड वाला काम होता है, लेकिन दिल भर घूमो कोई दिक्कत। कहाँ गए थे? तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ नहीं। रो रही हो? नहीं रो, कैसे लग गया? आ जा मेरा प्यारा बेबी, सोएगा? गाड़ी में चल, सोते सोते आई है लड़की, एकदम बिल्कुल भी नहीं जाग रही थी ना, मेरा हाथ दर्द करने लगा पकड़े पकड़े इसको, है ना? और ना दादू को बहुत दिनों से ना मॉल जाना था, दादू को बहुत इच्छा होती, महीने में एक बार तो वो कहीं ना कहीं ले जाना ही है उसको, कहीं ना कहीं घुमाने ले जाओ। तो फिर वही हम लोग जा रहे थे ना, तो रास्ते में एक पड़ता है मॉल, तो वहाँ पे झाड़ू लग रही थी, तो मैंने सोची कि आते टाइम हम यहाँ चले जाएंगे। विशाल मेगा मार्ट बहुत बार गए हैं तो वहाँ नहीं जाएंगे, और इधर फिर आते हैं ना तो हम लोग नवा नगर से जाते हैं, तो उधर बैठन थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो हम लोग को कलेक्टेड ऑफिस में थोड़ा सा काम था। तो फिर हम लोग ना फोटो भी बनवाने देना था इसके पापा को अपनी, तो फोटो बनवा के सीधे उधर ऑफिस चले गए। और फिर ना ऑफिस से इसके पापा बोले विशाल चलते हैं, तो फिर मैं बोली नहीं वहाँ बहुत बार गए नहीं जाएंगे इस बार, ये इधर पे नवा नगर मुझे नया वाला दिखा तो यहाँ हम लोग चलते हैं करके। तो फिर ना मैंने बोली कि चलते हैं, तो फिर हम लोग फिर वापस आए स्टूडियो तक जहाँ फोटो स्टूडियो है, तो मैं सोची यहीं पे था कहीं, फिर दिखाई नहीं, तो हमने सोची कि नहीं वो उधर चला गया होगा पेट्रोल पंप साइड। फिर हम वापस आए, फिर नहीं दिखा, फिर मैंने बोली नहीं वही है, मैंने देखी हूँ जरूर। तो इनने बोले कि नहीं है, नहीं है, तो मैंने बोली नहीं देखी जरूर हूँ। मैंने बोली अच्छा ठीक है, दिख जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं दिखेगा तो नहीं जाएंगे। फिर आए, सच में हमको दिखा, पर वो मॉल में ना अभी कुछ चल रहा था काम, तो वो मॉल बंद था। तो भगवान दादू कहते इतना दिमाग खराब हो गया। मैंने बोली नहीं ठीक है, अभी दो तीन दिन बाद चलेंगे और जाना है बैठन। तो फिर हम लोग ना नहीं गए, कुछ भी नहीं खरीदे हम लोग ने, सिर्फ फोटो बनवाए और वापस आए हैं बस। और इसी में हम लोग को एक डेढ़ घंटा लग गया, 6 बजे की नाश्ता कर लिए थे तो भूखे भूखे नहीं गए थे। और दादू भी आया ना, तो फिर आया तो तुरंत उसका कपड़ा चेंज करके ले गई मैं, वो नहा लिया है, अभी खेल रहे हैं सब लोग, और सब लोग खाए पिए थे। तो मैंने फिर आके तुरंत खाना भी नहीं बनाई, खाना बना हुआ था, मैंने सांभर बनाई थी और रोटी बनाना था, तो अभी मैं जा रही हूँ रोटी बना ले।
नहीं तो और टाइम हो जाएगा, 2:30 तो बज ही गया है, खाना खाते खाते 3-4 बज जाएगा, कहीं से आओ ना तो ऑलरेडी थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। पर ये देखिए आज भी दूध उफन गया मेरे हाथ से, अगर सप्ते में 2-3 बार दूध ना उफने ना तो काम ही नहीं होगा। और ये है सांभर पाउडर, तो ये पाउडर से हम सांभर बना लेते हैं, स्टर्ड सांभर। तो ये मैंने आज बनाई हूँ, इसको सिर्फ फ्राई करना रहता है बस, और बस रोटी बनाना था। तो रोटी मैं नहीं बनाती हूँ, जब भी बनाना खाना रहा तभी गर्मा गर्म बनती है हमारी रोटियाँ। और ना मैंने सांभर का सुबह ही पीसी थी और उसको तैयार करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, तो इस वजह से बहुत लेट भी हो गया था मेरा काम आज, क्योंकि उसकी उसमें 2-3 प्रकार की दाल थी और चावल भी था थोड़ा सा और दूसरे मसाले भी थे, उनको अलग अलग सेकना और फिर उसको पीसना, इस वजह से बहुत टाइम हो गया था। बहुत मतलब टाइम लगा, पर इतना है ना कि एक बार बन गया अब इतना पाउडर 4-5 बार सांभर बन जाएगा इससे, क्योंकि इस बार मैंने बनाई ना तो ज़्यादा नहीं लगा, 3-4 चम्मच में बन गया था। और सभी लोगों को भूख लग गई है, सब बच्चे चिल्ला रहे हैं भूख लगी भूख लगी। और ना सही में मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो अभी बच्चे लोग भी इतना हल्ला करते हैं और पता नहीं कहाँ ठक पक आवाज़ आती रहती है, थोड़ा टेंशन होने लगता है मुझे, कहीं भी शांति नहीं मिलती है थोड़ी देर की भी। सोचो कि 5 मिनट शांति मिल जाए तो बिल्कुल नहीं, शांति तो मिलना ही नहीं है जीवन में, शांति का नाम ही नहीं लिखा है। जहाँ जाओ वहीं कोई गला साफ कर रहा है, कोई खरखरारा है, बिल्कुल यानी सुबह से चालू हो जाता है पटर पुटर पटर पुटर। तो रोटियां भी बन गई है, तो चलिए हम खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, है ना? ठीक है। और घर बनाई मैंने, घर? अच्छा हाँ। पेंटिंग कर रही है मेरी काव्या? हाँ। अरे वाह, और अभी क्या पेंटिंग करी थी बेटा? बॉल बनाई थी ना, बॉल में पेंटिंग करी थी। हाँ। दिखाओ, पता है 12 नंबर पे की थी। हाँ पेंटर रहता है। अरे वाह, बहुत अच्छा। पहले पेंट रहता था, अब आईएनजी नहीं रहती। ये देखो आपने अपनी नोटबुक में ये क्या लिखी हो, 33030 ऐसे लिखते हैं क्या बेटा? इसमें ये भी यहाँ पे भी पूरा एक घंटा या आधा घंटा इनको छोड़ दो कॉपी पुस्तक के साथ, तो ये पूरा बर्बाद कर देती है। ये देखो ये 00 जीरो जीरो है, डबल जीरो कर दीजिए। और दादू का पढ़ाई करके हो गया? दादू का भी ढोल बजाओ, दादू को ढोल बजाओ, दोनों मिलके बजाओ। ये अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है? दादू मजा आता है क्या रुलाने में? मजा आता है दादू? दादू को मार खाना है लग रहा है। ये जिबली वाले भाई साहब। अच्छा दादू ने पढ़ाई कर लिया? हाँ। क्या पढ़ाया आज? मैं पूछूं? खालिस्तान हो गई, खालिस्तान हो गई, रोशन भोर हो गई, सिर्फ भोर हो गई। अच्छा नहीं 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 खालिस्तान मत करो, शोर मत करो। अच्छा हिंदी में। और एक्शन वर्ड प्ले का? प्लेइंग। वेरी गुड। ब्लैंक? नहीं 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 क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं तो मैं जरूर पूछती। तो इन लोग की पढ़ाई भी हो गई यार, और बस मैं वेट कर रही हूँ केबीसी आएगा, केबीसी आएगा। फाइट, फाइट का पूछो ना। फाइट का? फाइटिंग। एग्जाम कब से तुम्हारी, याद है? और ठंडी के कपड़े निकाले हैं, और ये टब निकाली हूँ मैंने, इसमें सब लोगों के ठंडी के कपड़े रखे रहेंगे, ताकि ना फिर ढूंढने में दिक्कत ना हो, मुझे ही ढूंढना पड़ता है सब, एक दूसरा पूरा कवर्ड खाली हो जाता है, फिर एक कपड़े के ढूंढने के चक्कर में पूरा निकाल निकाल के फेंको। तो अभी जो भी ढूंढना है इन लोग को तो इतने में ही ढूंढ लेंगे, और सभी लोग ढूंढ सकते हैं चारों लोग। तो इसी तरह से रखना भी चाहिए, कोई एक जगह ठंडी के कपड़े के लिए बना दो। तो बस ये हमारा आज का काम था, और ये शाम का टाइम है, रात का टाइम। और यहाँ का थोड़ा सा वो कपड़े अपने जमाना था तो वो मैं जमा दी, और उसके बाद ना अभी बच्चे लोग बहुत, और अभी ना दादू
को मैं कब से बोल रही हूँ सोजा सोजा, क्योंकि वो जल्दी सोता है ना फिर जल्दी उठता है, नहीं तो उसको उठने में बहुत दिक्कत होती है, उठ नहीं पाता है ना फिर सुबह सुबह, तो उसको ना मैं जबी से चिल्ला रही हूँ पर वो सुन नहीं रहा है बिल्कुल भी। उधर का पूरा क्लीन कर दी हूँ मैंने, तो ये लोग जाएंगे सोएंगे अभी, और मैं इधर थोड़ा सा और काम बचा है मेरा, दादू का बैग बैग समेटने का है। चलो जाओ भाई चलो, हल्ला तो बिल्कुल नहीं करना तुम लोग ना उधर जाओगे तो। और अभी हो रहे हैं रात के 9, हमारा खाना वाना सब हो गया है, बस अभी मैं ना दादू का बैग तैयार कर रही थी, क्योंकि रात में ही बैग तैयार करके रख दो तो सुबह हड़बड़ी नहीं होती है, नहीं तो वही सुबह जब उठो ना तो टिफिन ये वो पानी इसी लन फन में फंस जाता है इंसान, तो शाम को ही मैं देख के सोती हूँ कि कल कौन सा मतलब कौन सा पीरियड है। रोज रोज नहीं देती हूँ कॉपी ज़्यादा, उतना बेचारा बर्डन नहीं ले जा पाता ना, इसीलिए तो उन दोनों तीनों को तो मैं भेजती हूँ सोने के लिए। और बस अभी मैं पहले थोड़ा सा झाड़ वाड़ लूँ, उसके बाद फिर रात में मैं क्या करती हूँ ना थोड़ा थोड़ा झाड़ देती हूँ तो सुबह फिर गंदा नहीं रहता है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा झाड़ दूँ, बैग तैयार कर दी हूँ, तो अभी खाना वाना हमारा सब हो गया है। अभी मैंने खाना में क्या बनाई थी, गोभी की सब्जी और दाल चावल, रोटी नहीं बनाई। तो चलिए फिर आज का वीडियो मैं करती हूँ एंड, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हाँ न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।